तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रेजा मेरी फेवरेट गाड़ी है सुजुकी ब्रांड में। चलिए ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है ZXi। और अभी पहले आप देख लें इसको चारों तरफ से कि कैसा लुक है इसका, फिर हम इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिए साथ में सुनते चलते हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी ब्रेजा की है। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो भी ब्रेजा की ही आएगी। वो कौन सी होगी? वो सेकेंड मतलब सेकेंड बेस मतलब बेस से ही ऊपर वाले मॉडल की है, और वो व्हाइट कलर में भी है। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको ग्रे कलर में। जिन लोग मतलब जो जो चाहिए हो आपको वो प्रोवाइड करा देंगे अगर आप लोगों की डिमांड रही। और जो लोग रियल बायर हैं जिनको सच में ख़रीदनी है तो उनके लिए कुछ प्राइस का भी हो जाएगा, ठीक है। और डीलर से आप लोग उनका कॉन्टेक्ट भी करा सकते हैं। ये जो वीडियो जहाँ यहाँ का बन रहा है ना वो है यूपी का फरुखाबाद, ठीक है। तो अगर जो लोग यहाँ के बायर हैं वो लोग चाहें तो ये नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो हो सकता है बात करा देंगे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखो, जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से बात होगी। वीडियो जो आने को है ये एक तो ब्रिजा का ही आएगा, इसके बाद में एक अगला आएगा स्विफ्ट डिजायर का, उसके बाद में सेलेरियो का। स्विफ्ट डिजायर के दो वीडियो हैं, एक है सेकेंड बेस का और एक है टॉप मॉडल का, ठीक है। वो दो वीडियो मिल जाएंगी। और सेलेरियो का तुम्हारा जो है सेलेरियो का टॉप मॉडल ही है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे क्रम से। अगर तुम लोग चाहते हो जुड़ना तो जुड़ सकते हो लास्ट तक, मतलब लास्ट तक गए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जुड़ जाओगे। बाकी जो डिमांड रहेगी आपके डिमांड के हिसाब से वीडियो बना देंगे, कोई खास तो है नहीं, जैसे रहेंगे, ठीक है। और लाइक कर देना अगर जाना कोई दिक्कत ना हो, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर जो अगर हम इसकी वजन की बात करें तो वह 1135 किलो, ठीक है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो हो जाएगा 3995 mm, विड्थ की बात करें तो 1790 mm, और हाइट की बात करें तो 1640 mm, और व्हील बेस की बात करें तो हो जाएगी 2500 mm। वहीं अगर आप बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो हो जाएगी 1898, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 19 ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप तो ये समझ के गाड़ी लें। और वैसे तो आपको बता चुका हूँ कि मेरी ये इस ब्रांड में सबसे फेवरेट गाड़ी है। और इससे बड़ी बात, अगर आप नीचे डिमांड करते हैं तो मैं इसका ग्रे कलर में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। अभी आप देख रहे हैं इसका अंदर से किस तरह का इसका लुक आ रहा है, ठीक है। कुछ खास तो नहीं अभी इसकी। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जो साइज़ में तो छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर कुछ आपको कीज मिल जाती है, नीचे आपको मिल जाता है पावर के लिए, मतलब यहाँ से आप अपनी मोबाइल वोबाइल एक्सेसरी चार्ज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पेस जहाँ पर आप अपना कुछ भी रख सकते हैं, स्पेस थोड़ा छोटा है, ठीक है। ग्लव बॉक्स यहाँ पर एक नीचे और मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर ये इसका साइज़ कंपेयर टू बड़ा है। वैसे अगर बात करें जैसे सुजुकी की आपने क्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा कि उतना सॉलिड नहीं होता, लेकिन बात करें ब्रेजा ब्रेजा काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई। लेकिन मैं हमेशा से यूज करता आ रहा हूँ टाटा की गाड़ियाँ, तो टाटा की गाड़ी जो यूज करता है ना, वो जब इसके गेट खुलेगा तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी, ये क्या मतलब। अगर वो इसका गेट बंद करेगा ना तो उसे एकदम शॉकिंग लगेगा। यहाँ पर व्हील कवर, वो ये व्हील कवर नहीं, अलॉय व्हील्स है ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर ये गाड़ी लेते हैं तो आपको 2 साल की वारंटी मिलती है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो इसका जो गेट है, भाई फिर मैं बता दूं कि अगर टाटा का यूज़ करते हो तो तुम कोई भी, जैसे अगर इसके बलेनो का गेट बंद करोगे, जो मेरे फ्रेंड्स के पास है तब भी मैं उसके साथ जाता हूँ, तो वो हमेशा यही कहता है कि धीमे से बंद करो धीमे से बंद करो। कि रीज़न क्या है कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी का गेट कैसे बंद करता हूँ, और इसकी गाड़ी तो इस पूरी गाड़ी एकदम अजब सी फील आती है। यहाँ पर एक स्पीकर मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे हमें। और ये जो गाड़ी है 2016 में लॉन्च हुई थी, और जब लॉन्च हुई थी 1 साल के अंदर कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इसने प्राप्त किया था। तो फ्रंट से लुक इस तरह का है। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर पार्किंग सेंसर की बात करें तो यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वही है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो 198 का है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त है ना। चलिए अगर हम इसके पहुँचते हैं बूट स्पेस कितना है तो उसको भी अभी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर जो बॉडी कलर में हमें हैंडल डोर हैंडल मिल जाता है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ठीक है काफ़ी सही। वैसे ही यहाँ पर अगर मिरर साइड मिरर की बात करें तो वो भी ORBM कंट्रोल है। और यहाँ पर जो आपका हैंडल है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से ऊपर नीचे। यहाँ पर अगर जो अगर इसके मीटर की बात करें तो ये काफ़ी सिंपल सा लगता है। अगर ब्रेजा जो गाड़ी का पूरा लुक है उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कुछ डिजिटल एकदम अच्छा सा होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप इसका जो मीटर है इसके अंदर जो लाइटें जलती हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप
काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो बोतल का स्पेस है, यहाँ पीछे भी एक स्पेस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जो हैंडल पे भी हमें काफ़ी कॉल अटेंड करने के कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस को अप डाउन करने के मिल जाते हैं, गाना को चेंज करने के मिल जाते हैं। यहाँ पर ये पुश स्टार्ट बटन भी मिलती है, यहाँ ये आप बटन स्टार्ट करेंगे, ये है बाहर के जो मिरर है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर, और ये पुश स्टार्ट बटन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सही है, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है। यहाँ से आप चेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, बैक का स्पेस ऊपर मतलब आगे पीछे हो जाएगा, है ना। और ये डोर आप देखेंगे, डोर में यहाँ पर आपको सारे मिरर, चारों मिरर को कंट्रोल करने के लिए की मिल जाएंगे। हालांकि हर यहाँ पर क्रोम हैंडल आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर तो मिलेगा, साथ में हर डोर पर भी है। यहाँ पर एक बोतल के रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाएगा। तो ये सारा है यहाँ पर, चलिए इसको बंद करते हैं, जो गेट बंद करने पर जो फील आता है वो अलग ही है। चलिए बैक साइड में देखते हैं किस तरह से हमें मिल जाता है स्पेस। तो स्पेस की कोई कमी नहीं है, अगर कोई अगर हम बैठ के आपको ये दिखाएं कि लेग कहाँ पे टच हो रहा है, क्या फ्रंट में इतना स्पेस है, तो ये कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी के साइज़ को देख के बता सकते हैं कि यहाँ किस तरह की, इस तरह की यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो इस तरह का अंदर से लुक है, चलिए साइड से एक बार और देखते हैं। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको डुअल टोन में बॉडी मिल जाती है, नीचे ब्लैक और ऊपर वाइट में। तो ये आपको ब्लैक में अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो काफ़ी लुक को इन्हेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बैक बूट स्पेस के। तो बूट स्पेस की बात करें तो इसका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसका साइज है 328 लीटर, जो कि पर्याप्त है, ठीक है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको पीछे काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप मतलब साइड में दो स्पेस मिल जाते हैं, और यहाँ पर दोनों साइड में, और यहाँ पर एक लाइट मिलती है, और आपको यहाँ पर एक सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी मतलब जो भी कोई चीज़ होगी लगा सकते हैं। और एक यहाँ पे होल्डर मिल जाता है कि थैले को होल्ड कर लें। इसके नीचे आपको एक टायर मिल जाएगा जो अलॉय व्हील नहीं है, वो सिंपल में रहेगा, ठीक है। तो ये है, और बाकी सीटें तो आपने देख ही लिए। पीछे वाइपर आपको मिल जाएगा, और साइड में ये सीपलर है यहाँ पर जो ब्लैक कलर में दिया गया, तो इससे इसका एक लुक और बढ़ जाता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर ने सीपलर को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना दिया फ्रंट से लुक आप इस तरह का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, बहुत देर से कुछ बोला नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।